जिस तरह किसी इंसान के दिल में किसी के तई कीना बैठ जाए तो उसकी अच्छी बात भी उसको बुरी लगती है। जैसे किसी के दिल में किसी के तई कीना बैठ जाए तो उसकी हर अच्छी बात उसको बुरी लगती है, जबकि कीने से रोका गया है। वला तबाग़ज़ु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के तई अपने दिल में कीना ना रखे। अगर कोई रखता है तो इस हदीस का मुनकिर है, मुनकिर हदीस है वो, इस हदीस के आईने। वला तबाग़ज़ु, और वैसे भी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। तो इसी तरह अगर कोई आदमी हक को न कबूल करने का जहनी फैसला कर चुका हो तो अगर वो आसमान से फरिश्तों को उतरता हुआ देख ले या मुर्दे उससे बात करने लगे तब भी वो हक को नहीं कबूल करता। पहली आयत के अंदर वही बात बयान की गई। وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, अगर कोई आदमी हक को कबूल ना करने का जहनी फैसला कर चुका हो तो अगर वो आसमान से फरिश्तों को उतरता हुआ देख ले या मुर्दे उससे बात करने लगे तब भी वो हक को कबूल नहीं करता। फसाद जहन का ये एक ऐसा मरहला है। इस मरहले पर पहुंच जाने के बाद ऐसा ही हाल होता है एक इंसान का।